दोस्तों, आज देसी शेफ लिटिल किचन में मैंने बनाया है ये चिकन पैप्रिका। बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वाद और बहुत ही आसान, और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी नहीं, और साथ ही में मैंने बनाई है ये पैप्रिका सॉस, जिसकी रेसिपी भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए झटपट शुरू करते हैं हम आज का अपना ये चिकन पैप्रिका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश, देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये अपनी चिकन पैप्रिका की पूरी रेसिपी। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ले ली है ये चिकन ब्रेस्ट, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी, देखिए कितनी शानदार है ना। तो अब इसका मैं कट बनाऊँगा यहाँ से, बटरफ्लाई कट। उसके लिए कुछ नहीं करना, चिकन की जो साइड कटी है उसको ना छोड़ के ये साइड, इस साइड से हम इसका बटरफ्लाई कट करेंगे। ये देखिए, नाइफ जो है ना शार्प लेना है, ताकि अंदर तक स्लिट कर ले और उसको हम जब काटें तो एक ही सुर में अच्छे से चले। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको, इससे दो फायदे होंगे। एक तो चिकन जो है इतना मोटा नहीं रह जाएगा, अब ये कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, तो अब इसको हम काट के इसके पीसेस कर लेंगे, और इसके ऊपर से जैसे ये चीज़ आ रही है ना, ये इसको हम हटा लेंगे, ये छिछड़ों को हटा लेंगे, और इसको, क्योंकि ये जो है ना चिकन को पकने में इसके सारे टेस्ट को ख़राब करेगा। ये देखिए, इस तरीके से इसको हटा लेंगे, और अब इसमें हम लगा लेंगे कट। कट लगाने से दो फायदे होंगे, एक दिखने में तो सुंदर लगेगा ही, जो मसाला है ना वो भी अंदर तक चला जाएगा। ये देखिए, जैसे हम आम काटते हैं ना कभी कभी, उसी तरीके से हम इसमें इस तरीके से कट लगा लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से ये मेरे कट लग गए। कट बड़े ध्यान से लगाना है कि बिल्कुल ही आर पार ना हो जाए। और बस अब शुरू करते हैं इसका मैरिनेशन। नेचुरली सॉल्ट तो जाएगा ही जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम सॉल्ट एज पर द टेस्ट ले लेंगे। इसमें डाल देंगे चौथाई चम्मच काली मिर्च, और एक चम्मच के लगभग हम डाल देंगे कश्मीरी मिर्च, क्योंकि मेरे पास पैप्रिका पाउडर नहीं है तो मैं कश्मीरी मिर्च से ही अपना काम चलाऊंगा। और इसमें डालूंगा मैं जिंजर पाउडर एक चौथाई चम्मच, और डालूंगा इसमें मैं एक चौथाई चम्मच ही अपना गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं डालूंगा इसमें अपनी ये चिली गार्लिक मस्टर्ड पेस्ट, ये मैंने आधा चम्मच के लगभग ले लिया। और अभी भी इसमें जाएगा हमारा एक पूरा लेमन जूस, ये देखिए। और इनको हम मिला के अच्छे से मैरिनेट करके इनको हम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, और एक घंटे के बाद में जब ये अच्छे से पूरे मैरिनेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम इसको स्टार्ट करेंगे अपना चिकन पैप्रिका। ये देखिए कितना शानदार रंग आया है ना इनके ऊपर में, ये और इसकी जो खुशबू अभी उड़ी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता इसके मैरिनेशन की जो खुशबू उड़ी है। तो बस ये देखिए, अब अच्छे से ये जहाँ जहाँ कट लगाएं थोड़ा सा उसमें भी हम इसको अच्छे से रब कर देंगे, और बल्कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि इनके मसाला लगने के बाद में अगर ये अपने जूसेस छोड़ते भी हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ को इनके जूसेस आपस में ट्रैवल हो जाए। ये देखिए, और दोस्तों ये मैंने लिया है ऑलमोस्ट 3 ब्रेस्ट, लगभग हो जाएगा मेरा ये 450 ग्राम के लगभग। और इसके लिए हम बनाएंगे पैप्रिका सॉस ऑल्सो। ये देखिए, तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा चिकन पैप्रिका अच्छे से मैरिनेट तो हो ही गया, और ये देखिए इसके कट्स के अंदर में भी इसका सारा मैरिनेशन किस तरीके से चला गया। और इसके साथ के लिए मैंने, क्योंकि पैप्रिका बना रहा हूँ थोड़ी पैप्रिका तो होनी चाहिए ना, तो मैंने तीनों कलर की बेल पेपर और ऑनियन के साथ साथ
थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैंने ये ब्रोकली, मशरूम, बेबी कॉर्न लिए हैं। तो बहुत सारा इतना से सामान से ही ये देखिए, जब मैं इसको अरेंज करूँगा तो ये बहुत सारी हो जाएंगी। तो अब चलिए सीधा चलते हैं पैन पे, थोड़ा सा ऑयल। और दोस्तों इसी पैन के अंदर में मैं ये सब्जियां भी सौते कर लूँगा, और इसी के अंदर में मैं इस चिकन के लिए थोड़ी सी पैप्रिका सॉस भी बनाऊँगा। तो सबसे पहले तो ये मैंने हाई हीट पे अपना पैन ले लिया, और इसके अंदर में मैं डाल दूँगा ये चिकन, जैसे ही थोड़ा सा स्मोक होता है, ताकि ये दोनों तरफ से झटपट सियर हो जाए। लीजिए, पैन भी गर्म, तेल भी गर्म, और ये गया मेरा चिकन। अब इसको दोनों तरफ से फटाफट मैं सियर कर लूँगा, ताकि ये इसके जूसेस इसी में सील हो जाए। और अब इसको मैं पलट दूँगा। ये देखिए, ये बस ये फटाफट इस तरह दोनों तरफ से सियर करके, फिर मैं इसको हल्का सा स्टॉक इन करके इसको मैं इसी में टेंडर होने दूँगा। ये देखिए, ये झटपट अब दोनों तरफ से सियर होके सील हो गए। और ये देखिए, इसके कट कितने सुंदर आए ना। नाउ कुक विथ कवर, और इसको बिल्कुल स्लो फायर पे आप इसको इसी में सिमर होते हुए धीरे धीरे टेंडर होने देंगे। बहुत ज़्यादा टेंडर भी मत कीजिएगा कि ओवर कुक हो जाए। बस जैसे ही इसका ये मॉइस्चर ख़त्म होता है जो इसमें है, तो उस समय हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। देखिए, इसका जितना भी मॉइस्चर ख़त्म हो गया और जो हमने ऑयल डाला था बस वही रह गया। और भाई, एक और चेकिंग पॉइंट, हम एक बार इसके अंदर में इसको प्रिक कर देंगे। प्रिक करने के बाद में अगर इसमें से यहाँ से जूस निकल के आता है, इट मीन्स अभी इसको और कुक करना है। फ़िलहाल तो इसमें से जूस नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर में जिस तरीके से कट लगा दिए थे उसके हिसाब से ये अपना काफ़ी अच्छे से टेंडर हो गया है, और बहुत अच्छा मॉइस्ट हुआ है। ये देखिए दोनों तरफ से। तो बस अब इसी के अंदर में मैं सौते करूँगा अपनी वेजिटेबल। इसको मैं थोड़ा साइड कर लूँगा, ताकि अब ये ओवर कुक ना हो। सबसे पहले गई मेरे ये बेल पेपर, और ये मेरी बाकी की वेजिटेबल्स भी। जस्ट ए क्विक सौते, और जो भी पैन के अंदर में चिकन के कुछ जूसेस अगर हैं तो उसे हाथ में, और इसी के ऑयल के अंदर में ये मेरी वेजिटेबल झटपट ही सौते हो जाएंगी। इनको मैं बहुत ज़्यादा सुखाऊंगा नहीं, जस्ट फटाफट एक क्विक टॉस, और इनको मैं क्रंची ही रखूँगा। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये सारी सब्जियाँ हम कच्ची भी खा लेते। हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर एंड जस्ट क्विक टॉस, और ये मेरी वेजिटेबल्स भी फर्स्ट क्लास टॉस हो गई हैं। ये देखिए, और अब इसी के अंदर में मैं शुरू करता हूँ अपनी पैप्रिका सॉस। इनको भी मैं ये चिकन के ऊपर भी डाल दूँगा अभी, जब तक मेरी पैप्रिका सॉस बन रही है। तो इसकी हीट से चिकन की जो ब्रेस्ट है और इसके मॉइस्चर से वो भी मॉइस्ट रहेगा। तो लीजिए, ये पैन के अंदर में फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, और मैंने लिया है ये चॉप ऑनियन, गार्लिक एंड ग्रीन चिली। तो ये गए मेरे इसमें, और इनको हमने सिर्फ टेंडर करना है, हमने इनको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, बस झटपट ही इनको हमने इसको पिंकी करना है, ताकि इसके अंदर में ये अपने फ्लेवर तो दे ही दें और चिली जो है अपना काम थोड़ा सा कर ले। लीजिए, ऑनियन हो गए, अब इसमें मैं डाल दूँगा आधा चम्मच के लगभग पैप्रिका। और दोस्तों, अगर आपके पास पैप्रिका ना हो तो आप कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, और इनको हम झटपट ही मिला देंगे। गैस इस समय रखेंगे हल्की, नहीं तो ये हमारी पैप्रिका जो है ना जल जाएगी। ये देखिए, और अब मैं डाल दूंगा इसमें अपनी ये चिकन वाली से। तो लीजिए, ये मेरी पैप्रिका सॉस, ये अंदर मेरी जो ऑनियन गार्लिक है, इसको भी हमने जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है,
और अब ग्लेज के लिए मैं डाल दूंगा इसमें बटर। और आप तो चाहें तो बटर में भी सौते कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं बहुत लो फैट बनाने के मूड में हूँ तो इसलिए मैं बहुत सारा बटर से इसको ग्लेज नहीं करूँगा, ना ही मैं इसको बटर में बनाऊँगा। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, परंतु जब भी आप बटर यूज़ करें तो उसके साथ में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो बटर जो है ना वो जल जाएगा। ये देखिए बटर डलते कितना शानदार ग्लेज तो आया ही आया, और सॉस का फ्लेवर भी थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा। तो ये मेरी सॉस एकदम तैयार है। थोड़े से ऑनियन ग्रीन डाल दूंगा, जैसे समझ लो हम अपना धनिया डाल रहे हैं, और बस गैस बंद, क्योंकि ये जो ऑनियन ग्रीन्स हैं ये तो इसी के अंदर में, इसी की स्टीम में ही ये पक जाएंगे। तो बस मेरा चिकन भी तैयार, मेरी वेजिटेबल्स भी तैयार, और मेरी पैप्रिका सॉस भी तैयार। जैसे कि मैंने दिखाया है मेरी सॉस अच्छे से तैयार ही नहीं हुई बल्कि ग्लेस भी हो गई है, और ये देखिए साइड पे इसके अपना बटर एंड ऑयल कलेक्ट होना शुरू हो गया। और अब शुरू करते हैं इसके अंदर में थोड़ी देर के लिए चिकन को रोल करना। ये देखिए वेजिटेबल के नीचे छुपा हुआ कितना शानदार लग रहा है ना, तो बस अब इसको मैं सॉस में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये क्या मेरा चिकन, और इसको मैं इसी के अंदर में थोड़ी देर के लिए सिमर कर दूंगा ताकि ये सॉस को भी अब्जॉर्ब कर दे, और चिकन के जूसेस अगर कुछ हैं तो वो भी सॉस के अंदर में आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। ये देखिए नाउ आई कवर फॉर अनदर 1 or 2 मिनट एंड लेट इट सिमर ऑल टुगेदर, और उसके बाद में शो टाइम। तो लीजिए मेरा चिकन एकदम तैयार, और अब इसको मैं सर्व करने जा रहा हूँ। ये देखिए एकदम कितना ही शानदार बना है, और इसके जो मार्क्स हैं कितने अच्छे उभर के आए हैं। तो बस अब मैं आ रहा हूँ अपनी प्लेटिंग के ऊपर में। ये मैंने कुछ हाका नूडल्स बनाए थे, ये भी मैंने चिली गार्लिक वाले बनाए हैं, तो इसको मैं बेड बना लूँगा। अब इस नूडल्स बैट के ऊपर भी मैं प्लेस कर दूंगा अपना पैप्रिका चिकन। ये देखिए फर्स्ट क्लास, और अब इसके ऊपर में हल्की सी सॉस की ग्लेज दूंगा और बाकी सॉस मैं अलग से दूंगा। थोड़े से ऑनियन रिंग्स मैं इसमें हल्का सा इनको मैं टॉस कर लूँगा, और इसको भी मैं साइड पे सर्व करूँगा। बहुत टेस्टी लगते हैं, जो थोड़ी बहुत पैप्रिका अगर थोड़ी हार्श भी हुई तो इसकी ऑनियंस की स्वीटनेस उसको बैलेंस कर लेगी। ये मेरी सॉस थोड़ी सी सेपरेट आ गई, और इसके साइड पे मैं डाल दूंगा अपनी ये टॉस वेजिटेबल्स। ये देखिए ये मेरी आगे साइड पे टॉस वेजिटेबल, और इसके साइड में डाल दूंगा अपने मैं थोड़े से ग्लेज अनियन। देख रहे हैं कितना जूसी और कितना शानदार बना है ना, और ये आ गए मेरे ग्लेज्ड ऑनियन। तो लीजिए मेरा चिकन पैप्रिका विद पैप्रिका सॉस और टॉस वेजिटेबल एंड ग्लेज ऑनियन के साथ में एकदम तैयार, और ये गई मेरी थोड़ी सी पैप्रिका सॉस मेरे चिकन के ऊपर में। मैं इसके ऊपर में ज़्यादा इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि जिसको खानी है वो इसके ऊपर में अपने हिसाब से भी इसको लगा के जितनी चाहिए उतनी खा सकता है, अगर उसको अच्छी लगी तो और भी खा लेगा। तो बस ये थी मेरी चिकन पैप्रिका की रेसिपी जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी। मिलूँगा कल नए टिप नए ट्रिक नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो मिलूँगा कल, आप ऐसे ही खाते रहिए, बनाते रहिए, बचाते रहिए, पैसे भी बचाते रहिए, और खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।